हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हेल्पफुल एजुकेशन। तो आज की वीडियो में बात करने वाले कि पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय का आप कॉलेज किसे सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि कॉलेज सेलेक्ट करने में बहुत सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम आ रहा है। तो इसी पर मैं सेपरेट वीडियो बना रहा हूँ कि आप जो है कॉलेज स्टेप बाई स्टेप कैसे सेलेक्ट करना है। ओके, इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में बेल का आइकन होगा उसे भी दबा दें, जिससे कि इसी तरह का वीडियो आपको रेगुलर मिलते रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ कि पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय जो पटना में है उसमें आप कॉलेज कैसे सेलेक्ट करेंगे। अगर आप अभी तक आप इसका फॉर्म नहीं भर गए हैं तो आपको एंड स्क्रीन पर वीडियो मिल जाएगा। आप इस वीडियो को देख के जो है स्टेप बाई स्टेप पूरा प्रोसेस के साथ आप जो है फॉर्म फिल कर सकते हैं। सबसे पहले आपको जो है ppup.ac.in पे आपको आ जाना है। लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन मिलेगा, डायरेक्ट आप उस पर क्लिक करके इस पेज पा सकते हैं। उसके बाद इस पेज पाने के बाद आपको हम देख सकते हैं एडमिशन पोर्टल है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। चलिए इस पर क्लिक कर लेते हैं। आपके सामने इस तरह का जो है ऑप्शन खुल जाएगा। यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं एप्लीकेंट लॉगिन, आवेदक लॉगिन एक। ओके, इस ऑप्शन में आपको क्लिक कर लेना है। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर जो है सिंपली आपको यूजर आईडी आपको जो मिला होगा अपने मोबाइल नंबर पर, ये यूजर आईडी आपको यहाँ पर इंटर कर देना है। यहाँ पर पासवर्ड आपको इंटर करना है और यहाँ पर जो है कैप्चा शो करेगा, तो कैप्चा आपको इस बॉक्स में इंटर कर देना है। ओके, तो यहाँ पर देख सकते हैं कैप्चा शो करा है, कैप्चा आपको इस बॉक्स में इंटर करना है और यहाँ से आपको लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करके लॉगिन कर लेना है। तो जैसे ही आप लॉगिन करेंगे आपके सामने इस तरह का ऑप्शन खुल जाएगा। ओके, यहाँ पर जो है आपका जो होम पेज जो शो कर रहा है। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका डैशबोर्ड जो है यहाँ पर शो कर रहा है। तो मैं यहाँ पर जो पेमेंट नहीं किया हूँ, आपको मैं बता दूँ कि मैं यहाँ पर पेमेंट नहीं किया हूँ, अप्लीकेशन फॉर्म जो है पूरी तरह से फिल कर लिया हूँ। ओके, तो आप वो भी जो देख सकते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट ऑप्शन डॉक्यूमेंट अपलोड है, सेकेंड में है विषय वार प्राप्तांक विवरण, उसके बाद यहाँ पर फोटो विवरण है और यहाँ पर थोड़ा ऑप्शन आप देख सकते हैं महाविद्यालय पाठ्यक्रम चेंज, इस ऑप्शन में आप क्लिक कर लेना है। चलिए इस पर क्लिक कर लेते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं जैसे मैं कॉलेज यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया हूँ, तो मैं पहले सभी को जो है डिलीट कर देता हूँ। ओके, और फिर आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। अगर आपको यहाँ पर कॉलेज को रिमूव करना नहीं आना, क्योंकि हम देख सकते हैं रिमूव का ऑप्शन है, इस पर आप सिंपली क्लिक करेंगे और यहाँ पर कुछ में प्रोसेसिंग होगा और यहाँ पर जो है रिमूव हो जाएगा। ओके, रिमूव करने के बाद जो है फिर से कॉलेज सेलेक्ट कर लेते हैं। चलिए मैं यहाँ से पूरा कॉलेज जो है रिमूव कर देता हूँ। तो यहाँ से मैंने जो है पूरा कॉलेज को रिमूव कर दिया है। अब उसके बाद जो है आपको यहाँ पर सबसे पहले टाइप चूज करना है। टाइप में आप देख सकते हैं ऑनर्स जैसे यहाँ पर चूज है, तो ऑनर्स में आप देख सकते हैं कितना सब्जेक्ट आ रहा है। वीडियो को पोस्ट करके आसानी से आप देख सकते हैं बी ए बी एस सी कॉम। ओके, तो हम देख सकते हैं बीए में जो टोटल जितना भी सब्जेक्ट था सभी सब्जेक्ट को लिस्ट यहाँ पर शो करता है। उसके बाद मैं आपको बता दूँ जनरल में अब यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो उसके बाद हम देख सकते हैं मैंने यहाँ पर टाइप में जनरल सेलेक्ट किया हूँ। डिग्री में आप देख सकते हैं बीए जनरल, बीकॉम जनरल और बीएससी जनरल। ओके, जैसे मैं यहाँ पर बीए जनरल सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं सब्जेक्ट में आप यहाँ पर जो है सब्जेक्ट लिस्ट देख सकते हैं। उसी तरह से आप जैसे अगर बीएससी जनरल आप सेलेक्ट करना चाहते हैं तो उसके बाद आपको यहाँ पर सब्जेक्ट जो है सेलेक्ट कर लेना है। ओके, जैसे बायोलॉजी ग्रुप और मैथमेटिक्स ग्रुप। ओके, तो यहाँ मैं ऑनर सब्जेक्ट चूज करूँगा, तो मैं ऑनर्स चूज कर लेता हूँ। ऑनर्स चूज करने के बाद जो है कम से कम आपको यहाँ पर जो है दो डिग्री आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा और सब्जेक्ट आपको दो सेलेक्ट करना होगा। ओके, चलिए मैं आपको आगे प्रोसेस में बताऊँगा। ओके, चलिए यहाँ पर सबसे पहले मैं यहाँ पर रखने वाला हूँ बी ए इकोनॉमिक्स। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर टाइप में ऑनर्स रखा हूँ और डिग्री में बी ए इकोनॉमिक्स रखा हूँ। सब्जेक्ट जो है यहाँ पर इकोनॉमिक्स ही आएगा। उसके बाद जो है आपको यहाँ पर जो है डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। चलिए मैं यहाँ पर पटना सेलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, और यहाँ पर जो है कॉलेज आपको सेलेक्ट करना है। चलिए मैं यहाँ पर जो है ए एन कॉलेज पटना सेलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, और यहाँ पर एट के ऑप्शन पर क्लिक करूँगा। एट के ऑप्शन जैसे क्लिक करूँगा तो यहाँ देख सकते हैं नीचे में आप देख सकते हैं एक नंबर का ये जो है आ चुका है। ओके, कम से कम जो है आपको 10 कॉलेज सेलेक्ट करना होगा। जैसे कि आप यहाँ पर बी ए इकोनॉमिक्स सेलेक्ट किए हैं और टाइप में ऑनर्स सेलेक्ट किए हैं और सब्जेक्ट में इकोनॉमिक्स सेलेक्ट, इसके लिए आपको यहाँ पर जो है 10 कॉलेज सेलेक्ट करना है। ओके, चलिए उसी तरह से आप जो है पटना या फिर नालंदा, ओके, दोनों में से जो भी कॉलेज आपको पसंद हो 10 कॉलेज आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना। मिनिमम 10 कॉलेज आपको सेलेक्ट करना ही पड़ेगा। चलिए मैं नालंदा चूज कर लेता हूँ। ओके, और यहाँ से जो है मैं एक कॉलेज जो है किसान कॉलेज है जिसे नालंदा, ये मैं सेलेक्ट करके यहाँ पर एड के बटन पर क्लिक करूँगा। ओके, चलिए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो है यहाँ पर देख सकते हैं सी ओ एन एस, तो ये जो कॉलेज जो है आपको यहाँ पर 10 कॉलेज जो है सेलेक्ट करना होगा। ओके, यहाँ पर देख सकते हैं सी ओ एन एस, उसके बाद एफिडेविट गवर्नमेंट, ये जो है सी ओ एन एस, ये आपको यहाँ पर 10 कॉलेज सेलेक्ट करना होगा। चलिए मैं इसी तरह से जो है 10 कॉलेज यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। चलिए यहाँ पर तो मैंने 10 कॉलेज जो है सेलेक्ट कर लिया हूँ। चलिए उसके बाद जो है यहाँ पर मैं सेव एंड कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक कर लेता हूँ। ओके, तो आपको यहाँ कुछ में वेट करना है। यहाँ पर देख सकते हैं यू मस्ट सेलेक्ट एट लीस्ट, कम से कम आपको 2 कोर्स और सब्जेक्ट आपको चूज करना है। ओके, तो चलिए यहाँ पर जो है 2 कोर्स एंड
देख सकते हैं। तो कोर्स है, सब्जेक्ट आपको चूज करना है, ये आपको करना ही है। ओके चलिए, यहाँ पर मैं ऑनर्स ही रहने देता हूँ और यहाँ पर जो है मैं बीए इंग्लिश कर लेता हूँ। यहाँ देख सकते हैं आप बीएससी भी चूज कर सकते हैं। चलिए मैं बीएससी कर लेता हूँ, बीएससी मैथमेटिक्स चूज कर लेता हूँ। और इसका जो है यहाँ पर मैथमेटिक्स ग्रुप रहेगा, ओके मैथमेटिक्स। और यहाँ पर जो है आपको 10 कॉलेज आपको इसमें भी सेलेक्ट करना होगा। चलिए मैं यहाँ पर जैसे पटना सेलेक्ट कर लिया, और यहाँ पर जो है चलिए मैं ये जो है कोई भी एक कॉलेज यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। ओके चलिए, उसके बाद यहाँ पर एड के ऑप्शन पे क्लिक कर लेता हूँ। चलिए एक कॉलेज सेलेक्ट, यहाँ पर टोटल जो 11 कॉलेज हो गया, सेवन पर न्यू के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। तो हम देख सकते हैं यू मस्ट लिस्ट एट लिस्ट 10 अप्रेड कॉलेज चॉइस। ओके तो आपको जो है 10 जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं CONS, ये कॉलेज आपको सेलेक्ट करना है, और 10 जो है अप्रेड कॉलेज जो है सेलेक्ट कर लेना है। चलिए मैं इसी तरह से जो है 10 कॉलेज सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस तरह से मैंने सभी कॉलेज एंड कोर्स सेलेक्ट कर लिया हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं वीडियो को आप पॉज करके यहाँ पर देख सकते हैं सभी। ओके चलिए, यहाँ मैंने 20 कॉलेज यहाँ पर देख सकते हैं बीएससी मैथ और बीए इकोनॉमिक्स रख चुका हूँ। चलिए और क्या सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। ओके तो यहाँ पर बात करते हैं, चलिए मान के चलिए मैं यहाँ पर जो है बीए इंग्लिश रख देता हूँ, और यहाँ पर जो है इंग्लिश में सेलेक्ट कर लेता हूँ सब्जेक्ट में। ओके चलिए, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट में जो है पटना सेलेक्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पर जो है एक और मैं कॉलेज यहाँ पर जो है सेलेक्ट कर लेता हूँ। चलिए इसको ऐड करता हूँ, मुझे एक ही कॉलेज में एडमिशन चाहिए इंग्लिश के लिए। उसके बाद मैं यहाँ पर सेवन कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर तो आप जो है 3 जो कोर्स है आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो। ओके चलिए, अगर आप बैक जाना है तो इस पर आप क्लिक करेंगे, और यहाँ पर कॉलेज कोर्स सब्जेक्ट पर क्लिक करें। ओके देख सकते हैं कि जैसे मैं सबमिट किया हूँ, सबमिट पर क्लिक हो गया है। तो ओके तो इसी तरह से अगर और भी चाहते हैं आप, जैसे मान के चलिए और भी कॉलेज या सब्जेक्ट चूज कराना चाहते हैं, यहाँ पर चूज कर सकते हैं। इस तरह से बहुत ही आसानी से जो है आप कॉलेज चूज कर सकते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ टाइप सेलेक्ट करना होगा, डिग्री सेलेक्ट करना होगा, सब्जेक्ट ग्रुप सेलेक्ट करना होगा, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना होगा, और यहाँ पर कॉलेज आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। और यहाँ पर आपको जैसे ही आप यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट एंड कॉलेज सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर सिंपली आपको यहाँ पर एड के बटन पर क्लिक करना है। आप जो है 3, 2 या 2 से अधिक जो है सब्जेक्ट जो चूज कर सकते हैं, यहाँ पर डिग्री भी चूज कर सकते हैं आप चाहे तो ऑनर्स, और यहाँ पर जो एक और ऑप्शन आ रहा है जनरल का, इसमें से भी आप जो है कोर्स सेलेक्ट कर सकते हैं। और इस तरह से जो है आप कॉलेज डिग्री एंड सब्जेक्ट ग्रुप आपको चूज कर सकते हैं। और मान चलिए मुझे इस कॉलेज में एडमिशन नहीं चाहिए, तो यहाँ पर आप जो है रिमूव के ऑप्शन में क्लिक करके और ऊपर से जो है कॉलेज को ऐड कर सकते हैं यहाँ से। ओके तो इस तरह से आप बहुत ही आसानी से जान गए कॉलेज कैसे आपको सेलेक्ट करना है, ओके सब्जेक्ट कैसे सेलेक्ट करना है, डिग्री कैसे सेलेक्ट करना है। फिर भी कोई दिक्कत हो तो कॉमेंट करें। ओके आप हमारे इंस्टाग्राम फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर आप हमसे सवाल पूछ सकते हैं, आपको वहाँ पर तुरंत रिप्लाई मिल जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो कीजिए लाइक, और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दें, जिससे आने वाली वीडियो की जानकारी आप सबसे पहले मिल पाए। थैंक यू।